नमस्कार, मेरा नाम रवि कांच और अक्षर आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आज चिराग पासवान का खगड़िया में आशीर्वाद यात्रा है और क्या कुछ तैयारियां हैं, तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लोजपा की नेत्री पूर्व मंत्री रह चुकी रेणु कुशवाहा सी हैं, जो कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत अजमा रही थी लोजपा के सिम्बॉल पर खगड़िया विधानसभा से। मैम, सबसे पहले बोलता खगड़िया आपका स्वागत है। क्या कुछ तैयारी है, चिराग जो खगड़िया का बेटा है, खगड़िया का लाल है, कितना क्या कुछ आज आशीर्वाद मिलने वाला है चिराग पासवान को खगड़िया? बिल्कुल, चिराग पासवान जी खगड़िया के मिट्टी के लाल हैं, धरती के लाल हैं और हर हर जाति धर्म से परे हैं। खगड़िया जिला का खास करके किसी भी पार्टी के हो, जाति के, सारे लोग उनसे खुश हैं। सारे लोगों को लगता है कि एक आत्मीयता संबंध है, सभी लोगों को लगता है कि चिराग पासवान हमारा है। इसलिए आज जो वो खगड़िया की धरती पर आ रहे हैं, उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा, जो खगड़िया भी याद रखेगी, खगड़िया के लोग याद रखेंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली है और सैनिक लाइन होटल से लेकर के आपको ये बगवा चौक होते हुए फिर उधर जाएंगे, वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभूतपूर्व तैयारी है, हमारा कार्यकर्ता जोशो जुनून साह से भरा हुआ है और फिर इतना माला चादर सारे लोग रखे हुए हैं कि उनका वो चलेंगे तो लगेगा कि सड़क पर गाड़ी रेंग रही है, मोटरसाइकिल है, चार चक्का है, पैदल है, मतलब सभी लोग उत्साह से लवरेज हैं और उनका अभूतपूर्व स्वागत उनकी ही धरती पर, उनकी ही मिट्टी पर, जिस मिट्टी को प्रणाम करने आ रहे हैं, जिस मिट्टी को चरण स्पर्श करने आ रहे हैं, उस मिट्टी से उनको भरपूर आशीर्वाद। शहर बन्नी जाने की भी जो है बातें सामने आ रही है। हाँ, शहर बन्नी जाएंगे, शहर बन्नी भी जाएंगे और अपनी माताजी से वहाँ भी वो आशीर्वाद लेंगे और वहाँ भी अपने परिजन से मिलेंगे। क्या लगता है जिस तरह से कि लोजपा 2 फार हुई उसके बाद कहीं ना कहीं ये आंकलन करने जाने लगा कि चिराग कमजोर हो गया, तो क्या ये आशीर्वाद यात्रा से चिराग कितना क्या कुछ मजबूत हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में कोई चुनाव वगैरह भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा निकालना, कहीं ना कहीं ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि चिराग इससे और मजबूत होंगे या और कमजोर होंगे? देखिए, लोजपा के जहाँ तक 2 फार की बात है, तो 2 फार लोजपा का जो हुआ, ये सिद्ध हो गया कि इसको लोजपा को फारने वाले सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने लोजपा को टूट किया। ये बिहार हित के लिए नहीं है, देश हित के लिए नहीं है। और अगर देश हित के लिए होता तो लोजपा को फाड़ते नहीं, बल्कि बिहार में सुधार के लिए जो बिहार को नीति आयोग ने दिया है, और नीति आयोग भारत सरकार की है, NDA की यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और वो उसने खुद दिया है कि विकास में सबसे नीचे पैदांश में ऊपर है बिहार, तो वो अगर फार के बदले बिहार के विकास के लिए लड़ते। इसीलिए बिहार की सारी जनता चिराग पासवान जी के साथ है। बहुत लोग तो बोलते हैं कि उनको कोई खगड़िया का अलावा जानता भी नहीं है पारस जी को, लेकिन सारा बिहार ही नहीं, देश दुनिया और ये धरती जो है रामविलास पासवान जी की धरती है, और रामविलास जी पासवान जी से ऐसा लोगों का संबंध है कि लगता है, हर आदमी को लगता है कि मेरा ही बेटा है, मेरा ही भाई है, एक पारिवारिक संबंध है उनसे, जो पारस जी से कभी नहीं हो सका लोगों को। तो उनको फाड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने चिराग जी को एक अवसर उपलब्ध करा दिया है बिहार में विकास करने के लिए, बिहार के लोगों के काम करने के लिए। इसीलिए चिराग जी घूम रहे हैं बिहार में कि चुनाव हो ना हो, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये 15-16 साल से जो बिहार जल रहा है, इस बिहार को शांति प्रदान करना है, सही मायने में इस बिहार में विकास करना है। पासवान ने जिस तरह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, जिसमें कि बिहार के हक हकूक की बात होगी, युवाओं की रोजगार की बातें होंगी, तो क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव में इसका जो, अब चुनाव तो बहुत अभी टाइम है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी को हनुमान बता रहे थे, और क्या ऐसा नहीं लगता है कि राम ने अपने हनुमान को छोड़ दिया या उसके साथ रातें की गई? देखिए, हमने कहा ना कि अगर ये जो घटना घटी है, ये चिराग जी के लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा कर दिया है कि ऐसे अगर चिराग जी अगर चाहते, ये राम हो, हनुमान हो, या जो भी, अगर चिराग जी को रेड कार्पेट ही चाहते तो वे NDA में बने रहते, जो भी उनको सीट मिल रही थी वो सब सीट के साथ रहते, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के विकास के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो उनके मन में ये सदैव, ये उनके मन में ये जलता रहता था कि हम कुछ करें, हम कुछ करें। बिहार का मतलब केवल नल जल योजना ही नहीं है,
बिहार का मतलब है बिहार का युवाओं का विकास। अब देखिए शिक्षा का स्तर 15 साल में गिर गया है, उद्योग धंधा गिर गया है, रोजगार चौपट हो गया है, ये तो नीति आयोग खुद कह रही है। तो चिराग जी ने उस रेड कारपेट को छोड़ करके संघर्ष का रास्ता अपनाया है और ये अवसर उनको पारस जी ने दे दिया है और इस अवसर को वो बिहार के विकास में उसको बदलेंगे, बिहार घूमेंगे, बिहार की जनता से आशीर्वाद लेंगे और बिहार के विकास के लिए कदम आगे। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रही थी पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी जो कि लोजपा में महासचिव हैं और बहुत चिराग के करीबी माने जाती हैं और ऐसे में खगड़िया में मोर्चा संभाली है और आज पूरी तैयारी है, देखना लाजमी होगा कि खगड़िया के लोगों का चिराग पासवान को कितना क्या कुछ आशीर्वाद मिल पाता है और इस आशीर्वाद का प्रतिफल आने वाले उन चुनावों में कितना क्या कुछ दिख पाता है। फिलहाल तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।